मोटिवेटर हैं, ये देखो साइकिल से खरदुंगा करने वाले हैं। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सोचो भाई कितना प्राउड मोमेंट होता। हम लोगों ने खरदुंगला फतह किया और यहाँ पर झंडा भी फहरा के अब चल रहा हूँ नीचे भाई। और नालंदा वासियों यार, एक लाइक बनता यार, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और ये तीनों भाई तो है फैमिली, कैसे हो आप सब? स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग का लद्दाख का ब्रह्मा दिन है और हम लोग आज जाने वाले हैं सबसे एडवेंचर खरदुंगला टॉप। तो चलता हूँ आगे और मिलता हूँ मोटो व्लॉगिंग मोड में। ऑल सेट रेडी। एंड ये अभी ये पहले कुछ दिन पहले तो ये वर्ल्ड का सबसे टॉपेस्ट था, लेकिन अभी ये सेकेंड नंबर पर हो गया। तो चलता हूँ और वहाँ का सीन दिखाता हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है भाई, बने रहो हमारे ब्लॉग में। मॉर्निंग फ्रॉम ले। तो हम लोग लेह से निकल गए हैं भाई और हम लोग आज जाने वाले हैं वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड खरदुंगला। अभी भी ये फर्स्ट ही है बोले तो, क्योंकि जो उमिंगला है उसका अभी तक परमिट नहीं मिला है। मतलब बीआरओ ने तो पूरा चीज़ कर दिया है, गिनीज बुक में भी उसका नाम आ गया, लेकिन उसका अभी तक परमिट का सीन नहीं हुआ, क्योंकि उसे अभी ऐसा सीन है कि उसे अभी नहीं अच्छे तरह से लोकल लोग की पता है ना, अभी गूगल मैप को पता है। तो चलो यार देखो क्या होता है। जो फिलहाल तो खरदुंगला के लिए निकल ही गया हूँ और ये हमारा रहा लेह सिटी भाई, जो कल का वीडियो ने आपने देखा होगा लेह सिटी का वीडियो। तो चलो यार एक बार बोलो हर हर महादेव, जिससे अपना खरदुंगला टॉप। आज भाई मौसम भी बहुत मस्त मान रखी है, बहुत मस्त मौसम है भाई, बहुत अच्छी, बस खरदुंगला हो जाए भाई। इसका ऐसा सीन है कि ये 18,000 समथिंग पर, ये जो खरदुंगला टॉप है उसकी ऊंचाई है 18,000 कुछ, और ये लगभग मैं 6 महीने पहले। आप लोग कितना शानदार नज़ारा है जो, और हम लोग इसी रूट से होते हुए खरदुंगला की ओर चलेंगे। तो अब हम लोग खरदुंगला की रूट ज्वाइन करते हैं भाई, और ये रहा रूट भाई। तो ऐसा है कि हम लोग ये देखो पूरा व्यू देखो भाई, कितना औसम व्यू बना रखा है जो, क्या मस्त व्यू है जो। चलो भाई आगे चल के दिखाता हूँ, देखो कितने राइडर लोग जाने वाले हैं खरदुंगला जो। चलो जी ये देखो सियाचिन वॉरियर्स, वेलकम टू वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द माइटी खरदुंगला। चलो भाई खालसे से ले, खालसे से चलिए ना। तो ऑल सेट रेडी बाय, निकलता हूँ खरदुंगला के लिए। ये देख लो यहाँ भी लिखा हुआ बीआरओ यू आर एगोन द हाईएस्ट मोटरेबल रोड। तो भाई ऐसा कि अभी भी है जो यही हाईएस्ट मोटरेबल रोड है खरदुंगला ही। देखो कितने राइडर भैया लोग जा रहे हैं जो। चलो जी आगे चलते हैं। हेलो, कितना मस्त व्यू है जो हमारा नीचे लेह सिटी का। ये नीचे लेह सिटी हुआ और ये रोड देखो बीआरओ ने कितना मस्त बनाई है जो भाई। बीआरओ ने इतना मस्त मस्त रोड बनाई है हमारे भारत में, क्या बताऊं भाई, बहुत मस्त। जितने भी वाटर रोड थे इतना मस्त बनाया, इतना एडवेंचर बनाया, चाहे यहाँ चल जाओ चाहे आप सिक्किम चले जाओ, क्या मस्त रोड बनाया भाई। और हम लोग जाने वाले हैं बहुत टॉप, बहुत टॉप भाई। अभी हम लोग 13,000 फीट पर आ गए हैं और 5,000 हम लोग का अभी आओ जाना है।
कोई नहीं, महादेव के नाम पर सब फतह होगी। तो बस हमारे साथ ऐसे, तो देखो भाई हम लोग कितना नीचे से आ रहा हूँ, जो देख रहे हो वो उधर शांति स्तूप रहा, वहाँ से लोग आ रहे हैं और हम लोग ने लगभग 14,000 फीट ऊपर आ गया हूँ और 4,000 और बाकी है भाई। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, एकदम एक नंबर लग रहा है, एकदम भाई अच्छा से कट जाएगा। उसके बाद हम लोग तुरंत निकल जाएंगे टुक टुक के लिए, जो इंडिया का लास्ट विलेज है। चलो भाई मजे में बने रहो हमारे साथ, और आज आपको घुमाएगा भाई आपका खरदुंगला भाई। ये गूगल के माध्यम से अभी भी इंडिया का नहीं भाई, वर्ल्ड का है, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास है। लेकिन अब बीआरओ ने 6 मंथ पहले ही, 6 या 7 मंथ वो उमिंगला पास बना लिए, जो 19,000 फीट पर है। तो देखो भाई सब चीज़ सही रहा तो हम लोग का तो वही करने का प्लान है, बट कोई नहीं, थैंक्स बीआरओ, आप लोग को बहुत दिल से सैल्यूट, जो आपने हमारे लिए इस तरह की रोड बनाई है और इस तरह का एडवेंचरस पास बनाया है। ये देखो भाई इंडियन आर्मी, ये भाई सैल्यूट है यार आप लोग को, आप लोग को सैल्यूट है यार, क्या मस्त काम करते हो यार इन लोग, थोड़ा मोटिवेटर है। ये देखो साइकिल से खरदुंगला करने वाले हैं, आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सोचो भाई कितना प्राउड मोमेंट होता है इन लोगों के लिए। बनी रखी है जो, और भाई स्नो से कवर हुआ, कितना सुंदर लग रहा है जो, जब धूप पड़ रहा भाई इतनी मस्त, इतना मस्त भाई आ रहा है। और आप देख सकते हो लोग कितना नीचे से आया हूँ, जो आप लोग की गोप्रो कैद भी नहीं कर रही होगा, लग रहा है उतना लोग नीचे से ऊपर चढ़ाई किया हूँ। और वो देखो क्या मस्त नजारे हैं यार, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, जो वो वाइट वाइट है जो पूरा स्नो है यार, वो चमक रही है, तो बहुत मस्त लग रहा है यार। कोई नहीं 17 किलोमीटर और है भाई आपका दूर, नालंदा किसान 17 किलोमीटर दूर है भाई आपका भाई। 17 किलोमीटर के बाद भाई आपका झंडा फहराने वाला है उस टॉप पर। चलो जी क्या मस्त नज़ारे देखो भाई नज़ारे, लेकिन इससे ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे मैं आप लोग को ऊपर दिखाने वाला हूँ, तो बस आप वीडियो में बने रहो यार। चलो जी चलो 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 चढ़ जा मेरे भाई, चढ़ जा, चढ़ गया। कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहाड़ का व्यू देखो भाई, चलो भाई ऊपर जाके और नज़ारे मस्त होने। इसके पहले हम लोग जाएंगे तो रिकवरी पोस्ट 200 मीटर, ये रिकवरी पोस्ट बना हुआ है कि अगर किडनी लोग को कुछ हो जाता है तो यहाँ पर मेडिकल से लेकर हर सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है, भगवान ना करे कि किसी को कुछ हो। ये इसे साउथ पिल्लो का नाम दिया गया है, तो हम साउथ पिल्लो अभी क्रॉस कर रहे हैं भाई। चलो जी यहाँ से कर लेता हूँ सब चीज़, हम लोग को यहाँ पर इंट्री होगा, इंट्री करा के निकलता हूँ। चलो जी इंट्री करा के निकलता हूँ जी। को एंट्री करानी पड़ती है, गाड़ी नंबर, नाम और मोबाइल नंबर, एंट्री हो गई भाई। और हम लोग फिर से निकल गए हैं खरदुंगला के लिए, और भाई अब ज़्यादा दूर नहीं है, 14 किलोमीटर और दूर हूँ। 14 किलोमीटर के बाद भाई हम लोग फतह करने वाले हैं खरदुंगला भाई, नालंदा का नाम ऊपर करने वाला यार। जब जब नालंदा का नाम लेता हूँ यार रुवाई आ जाती है, समझ में नहीं आ रहा यार, इतना इमोशनल आप लोग कितना करके भेजो यार, इतना प्यार आपने दिया यार, रोना आ जाता है भाई। कोई नहीं भाई आपका नाम ऊपर करके आएगा, यही से सियाचिन बॉर्डर चल जाती है भाई, सियाचिन के नाम तो आपने सुनी होगी। ये देखो भारत की झंडी कितनी अच्छी चल जब लहरा रही है, तो कितना मस्त भाई आ रहा है। जो थोड़ी सी ठंडी स्टार्ट हो गई है,
यहाँ पर फिर से नेटवर्क चला गया, नेटवर्क नेटवर्क का सीन खत्म। नेटवर्क अब दूर दूर तक मतलब नहीं है, अब हम तुम अकेले। चलो जी, कोई नहीं भाई, आपका ऊपर जाने के बाद दिखाता है व्यू आपको। 13 किलोमीटर और बचा। देखो भाई कितना खतरनाक है, पूरा बर्फ ही बर्फ। ये देखो पूरा बर्फ, पूरा बर्फ बर्फ भाई। आपका बस 9 किलोमीटर और दूर है, 9th किलोमीटर दूर। कृपया मोड़ पर हॉर्न बजाए, एकदम जरूर बजाऊंगा यार। 9th किलोमीटर के बाद आपका भाई पहुंच जाएगा वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास। बस 3 किलोमीटर और, 3 किलोमीटर और चढ़ जा भाई। ये देखो भाई ना जा रहे हैं यहाँ के, पूरी हाथ में ठंड बढ़ रही है भाई। ओ जी, इतने तो रोड खराब थी, मिल गई रोड अच्छी सी। ओहो भाई क्या नजारे हो बन रखे हैं यार, क्या मस्त नजारे हैं यार। बर्फ ही बर्फ है भाई, बर्फ लगती है। कल भी रात के यहाँ स्नो हुई यार, यहाँ पर प्रतिदिन स्नोफॉल होती है यार, क्योंकि सबसे टॉप पर है यार। पहुंच गया भाई, पहुंच गया, पहुंच गया। ओ भाई थोड़ी सी रोड खराब थी यार, वो तो मस्त वाली रोड मिल गई है। चलो यार, किया देखो यार, खाली सिर्फ बर्फ ही बर्फ है भाई, कुछ नहीं, सिर्फ बर्फ है, ओनली ओनली बर्फ। चलो जी ऊपर चल के दिखाता हूँ। मीटर दूर हूँ, ये देखो पूरा में स्नो फैली हुई है, सिर्फ स्नो ही स्नो है। और भाई आपका लगभग पहुंच गया यार, वो देख लो पूरा ही स्नो ही स्नो है भाई। बहुत कस की ठंडी लग रही है, ओ भाई बहुत जोर से ठंड लग रही है यार। बस 400 मीटर और बची है यार, 400 मीटर और। ओहो क्या मजे है भाई, भाई भाई पहुंच जा यार। गाड़ी की ऑक्सीजन पूरा खत्म हो गई यार, टान नहीं ले रही है। ओहो चल जा मेरे भाई, पूरे हेमलेट में, पूरे हेमलेट में बस भर गई यार। ओहो खरदुंगला फाइनली डन 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 डन, भाई आपका पहुंच गया खरदुंगला। ओ भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब किधर है यार, जान 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 किधर है तुम। ओ भाई साहब दिखा यार, दिखा दिखा दिखा। भाई आपका पहुंच गया भाई खरदुंगला। ओहो पूरे हाथ तुम फिर हो पड़ी, वो देख लो खरदुंगला, खरदुंगला खरदुंगला। साईं भाई कैसे हो यार, मजा है ना, फाइनली डन यार, फाइनली डन, ओ फाइनली डन। चलते भाई कुछ शॉट लेता हूँ। और भाई नालंदा का पहला यार, ये देख लो यार,
ये देख लो पूरे नजारे, आप लोग पूरे नजारे देख लो, हाथ पूरी सूरज पर ये। और भाई ये देखो यार, ये क्या प्राउड मोमेंट है भाई। ओ भाई ठंड से पूरे बर्फ से बर्फ पर ये भाई। चलता हूँ ऊपर, कुछ फोटो शूटो निकालता हूँ, उसको आज निकलता हूँ भाई यहाँ से। तो फाइनली दोस्तों आपने देखा हमारे साथ, ये देखो खरदुंगला का भाई, ये है अभी वर्ल्ड का, ये देख लो यार, ये देख लो, आप लोग को दिखाता हूँ पूरा व्यू। तो देखो वर्ल्ड रोड है, वेलकम यू टॉप ऑफ द वर्ल्ड माइटी खरदुंगला भाई। फाइनली हमने डन कर लिया, वो भी 125 सीसी के बाइक से भाई। वो देखो इधर सिर्फ बर्फ ही बर्फ हो रखी है भाई। तो भाई आपका डन नालंदा का पहला ब्लॉगर भाई, भाई प्यार दो यार, और भाई भाई को फुल प्यार चाहिए यार। तो फाइनली गाइस हम लोगों ने खरदुंगला फतह किया और यहाँ पर झंडा भी फहरा के अब चल रहा हूँ नीचे भाई। और नालंदा वासियों यार एक लाइक बनता यार, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करो, और ये तीनों भाई का शेयर करो यार, तीनों भाई का शेयर करो, क्योंकि ये मूवमेंट कितनी मेहनत से आई है भाई, बता नहीं सकता हूँ। और दिखाता हूँ आप लोग का यहाँ के थोड़ा सा, ये देख लो भाई ये खरदुंगला टॉप। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है भाई कि हमने सिर्फ फ़ोटो लिए निकल गई। कोशिश करता हूँ फिर से वहाँ जाने के बाद। और यहाँ का व्यू देखो भाई, यहाँ पर आर्मी लोग रहते और हम लोग की हेल्प करते हैं भाई, खतरनाक सी वाइब थी। और अभी स्नोफॉल भी हो रही है, और ये देखो पूरा स्नो एरिया है। फाइनली गाइस हम लोग खरदुंगला फतह किया और नालंदा का झंडा यहाँ भाई, इंडिया का झंडा फहरा के निकल रहा हूँ। थोड़ी सी बोली लकड़ा रही है क्योंकि यहाँ पर स्नोफॉल हो रही है और इसी कारण। और भाई देख लो यहाँ का नजारा देख लो भाई, ये देखो कितनी मस्त भाई है जो। ओ भैया तो चलता हूँ भाई, ये व्यू देख लो, और यहाँ से निकलता हूँ बाहर क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी बोली भी लकड़ाने के लिए शुरू हो गई है। तो चल भाई बने रहो वीडियो में, और एक भाई एक लाइक करना। हम लोगों ने खरदुंगला जो वर्ल्ड का अब तो मतलब 6 महीने पहले वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास था, लेकिन ऐसा सीन है कि 6 महीने बाद ये सेकंड हो गई है, अब अनदर बन गई। अभी भी गूगल इसी का दिखाता है, तो कोई बात नहीं, यहाँ से निकलता हूँ भाई। और जिन भाइयों ने बाय बाय सपोर्ट किया उन्हें तहे दिल से धन्यवाद, और जो मेरे हेटर हैं उन्हें भी और तहे दिल से धन्यवाद, उन्हीं लोग के कारण मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। तो हेटर लोग को बहुत तहे दिल से, और उन दोस्तों को भाई और मम्मी पापा को एक बार फिर से नमस्कार भाई। ऐसा सीन है कि मैं नाम लेता हूँ मम्मी पापा का भाई, आप लोग को उतरवाया जाती यार, आप लोग ने इतना सपोर्ट किया यार, मिडिल फैमिली का बंदा यहाँ आके झंडा फहरा दिया यार। कोई नहीं, बस अब इतना सपोर्ट और कर दो यार कि वीडियो को पूरे नालंदा वासियों को दिखा दो, बस मेरी एक ही प्रार्थना यार, मेरी बस इतना ही मेहनत है, मैंने मेहनत किया बस वो पूरा कर दो। मैंने मेहनत किया वो बस एक आप पर आप शेयर करके मेरा पूरा मेहनत का ओके कर दो यार। निकलता हूँ हंडर इंडिया के सबसे लार्ज विलेज तुकतु के लिए यहाँ से, और भाई उस दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद यार, बहुत सपोर्ट किया था यार। चलो सही भाई पता किया ना, चलो चलो भारत माता की जय। निकलता हूँ भाई अब हम लोग को 10 फीट पर जाना थी यार, ये बहुत ऊपर थी यार, और स्नो हो रही है। ओ अंकल जी के देख लो बर्फ़ को पिघलाने में लगे हुए हैं। कोई नहीं भाई, भाई आपका फतह किया, और स्पेशली थैंक्स उस दोस्तों को, भाई दोस्त का नाम ले लेता हूँ यार, इस जगह पर पहुँचाने में बहुत हेल्प किया था यार। सबसे पहले भाई एलेक्स और आशीष, ये मैं वीडियो में ज़रूर डालने वाला हूँ, माता पिता के बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा हेल्प किया था। एलेक्स और आशीष, निशांत भैया, जित्तू भाई, बबी भाई, अंकित ब्रो, सूरज भाई, निशांत भाई, और ये दोनों मेरे सपोर्टर सैम भाई, और मेरा पूरा फैमिली यार, छोटू भैया, आनंद भैया, हफीज भैया, यार रोवाया जा रहा है यार, इमोशनली हो रहा हूँ यार। इस जगह पहुँचने में आप लोगों ने कितनी हेल्प की थी यार,
एंड पूरे फैमिली को यार, इस नज़ारे को क्या सुकून है यार। बस भाई ऐसे सपोर्ट करते रहो, पूरी आँख से खुशी वाले आंसू गिर रहे यार। ओहो ओहो, स्पेशली थैंक्स भाई बब्बी भाई, बब्बी भाई ने बहुत हेल्प किया था यार। एंड मेन मोटिवेशन मेरा बब्बी भाई ने दिया था यार, मैं तो लौटने वाला था यार जब सैम भाई का प्रॉब्लम हुआ था ऑक्सीजन का। मैंने सोचा कि मैं हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन बब्बी भाई ने बोला यार गया तू सला ननंदा का नाम नहीं बुलाना कर क्या, जान चल जाएगा ठीक है, लेकिन भाई जो लौटा तो मैं घुसने नहीं दूंगा। एंड ऑल्सो स्पेशल थैंक्स भाई कुंदन भैया। चलो भाई फैमिली निकलता हूँ नीचे यार, ठंड बहुत पड़ रही है। ओहो यार यार चल जा चल जा। तो फाइनली गाइज मेरी पूरे फैमिली, यूट्यूब फैमिली, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद यार जो इतना सपोर्ट किया यार, धन्यवाद भाई। और उन पूरे दोस्तों को धन्यवाद तय दिल से, आप लोग को बहुत आभारी हूँ यार, बहुत ज्यादा रोना आ रहा है यार, इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा।